सिद्धार्थनगर में बारातियों के साथ मारपीट और महिलाओं से अभद्रता करने व जेवर छीनने की घटना इस सामने। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के मुडीला मिश्र से एक बारात इटवा थाना क्षेत्र के महतनिया गांव जा रही थी। पीड़ितों का आरोप है कि बारात रास्ते में पड़ रही चौखड़ा के पास पहुंची थी कि बारात जा रही महिला ने लघु शंका के तहत गाड़ी रुकवाई। इसी बीच शराब पिए कुछ मनचलों ने महिलाओं से छेड़खानी शुरू की, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें बारात में जा रहे दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की और उनके शरीर पर पहने लाखों के जेवरों व पैसों को लूट लिया। पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम सारा। कहाँ के रहने वाले हो सारा? मुडीला मिश्र। चोट लगी आपको, कैसा क्या हुआ था? चोट लगी तो इसलिए कि जैसे ब्लॉक गाड़ी रुका के उनके साथ बच्चे को अपनी पैर कराया करते, उसके बाद कई लोग आके हम लोग को छेड़ने लगे, मारने लगे, तो हम अपने देवर को जेठ को बुलाए, दोनों लोग आए और आप लोग को हम लोग को भी मारे, हम लोग को मारे, उसके बाद पुलिस आई तो हम लोग की जान बची, हम लोग को ज़्यादा मार दी, हमारी भी चोट लगी इसलिए। और क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले, कि कहीं भी कोई भी घटना होने से पहले किसी लड़की का या लड़का का बारात जाए तो इसमें तो घटना ना हो। नाम आपका? सोफी प्रधान। कहाँ के रहने वाले हो आप? मुडीला मिश्र। प्रधान जी, आपको चोटें आई हैं, मामला क्या है? मामला यह है कि मुडीला मिश्र से हम जा रहे थे महतनिया बारात, हमारे भतीजे का शादी था और उसके बाद में सारी गाड़ी कुछ गाड़ी निकल गई थी और कुछ गाड़ी हमारे पीछे थी, तो चौखड़ा में हम लोग जब पहुँचे तो महतनिया के तरफ दाहिने तरफ रास्ता कटा हुआ है, उसके आगे लगभग एक दर्जन के आसपास वहाँ बैठे थे और हमारे गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, दूसरे गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, तो उनको स्वास्थ्य की ज़रूरत था, मैं इसलिए गाड़ी वहाँ रोक कर उनको फ्रेश करवाना चाहा, तो उन लोग दारू पीकर और उल्टा पुल्टा गाली गुप्ता देने लगे छेड़खानी के। फिर हमने हमारे जो साथ में और लोग थे भाई सब, उन लोग समझाए बुझाए नहीं माने, इसी के कारण वहाँ मारपीट हुआ, कुछ लोग गाँव से और आए दर्जनों से ज़्यादा, और फिर बीच पीछे हमारी जो गाड़ी थी हमारे बीच बचाव करने के लिए वो भी उनको भी चोट लगा है, और हमारा 3 लाख के ऊपर जेवर था और प्लस 2 लाख रुपया नगद, और हम इंसाफ चाहते हैं। हमने 100 नंबर को कॉल किया था, उसके बाद में सीओ साहब को भी कॉल करके हमारे रिश्तेदार हैं रिजवान, वो बात किए थे, अभी तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है और हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। बाबू आपका? मेरा नाम साबिर अली है। साबिर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सिमरा देवा का रहने वाला हूँ। कुछ चोटें आई हैं, क्या मामला है पूरा? मैं जब गाड़ी से गया पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ पे मारपीट चालू था, जब हमने पहुँचा तो अपने मामा को देखा तो मेरे मामा खून से लथपथ थे, तो हमने बचाव के लिए और महलों से भी पूछा तो उन लोग भी बोले कि आके हमको छेड़खानी किए, जब तुम्हारे मामू बोले तो मारपीट करना चालू कर दे, तो हम बचाव के लिए हमारे भी हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई है, ये देखिए हाथ वाथ सब टूट गया है, और हम 2 घंटा बेहोश थे, 2 घंटा के बाद हमें होश और पत्तों में आया, और हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई निर्णय करे। कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या मामला था, कैसे चोटें आई? यही मामला हुआ था, जब हम वहाँ बचाव के लिए पहुँचे, जब हम छुड़ाने लगे तो हमारे भी हाथ में मारपीट चालू कर दे, हमारे भी ऊपर। कहाँ, किस जगह हुआ है? चौखड़ा में हुआ। कहाँ आप लोग वहाँ क्या करने जा रहे थे? हम लोग, ये लोग पहले पहुँच गए थे, हम लोग जा रहे थे रास्ते में, महतनिया बारात जा रहे थे। आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी कहीं? शिकायत किए थे लेकिन अभी कोई तक सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए न्याय हो।